नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रनिंग से पहले ऐसी वो कौन सी चार गलतियां हैं जो लोग कर बैठते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को ताकि न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। सुबह सुबह रनिंग करना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे शरीर भी फिट और चुस्त रहता है। वैसे तो फिटनेस के लिए रनिंग को सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती और केवल आपको अपनी बॉडी से ही एक्सरसाइज करनी होती है। रनिंग करने से हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की आशंका को कम किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सही जानकारी ना होने के कारण रनिंग से पहले कई गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। वैसे तो रनिंग बहुत साधारण लगती है पर इसमें खतरे भी कम नहीं हैं। इसे नज़रअंदाज करने पर आपको गंभीर इंजरी हो सकती है। दौड़ने से पहले खुद को सही तरीके से तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं रनिंग करने से पहले ऐसी कौन सी चार गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं जिनसे उनको नुकसान होता है। नंबर एक, ज़्यादा पानी ना पिएं। रनिंग से पहले अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे आपको ठीक से रनिंग करने में असुविधा हो सकती है। ज़्यादा पानी पीने से ब्लैडर फूल जाता है, सिर घूमने की समस्या आ सकती है, यानी आपके सिर में दर्द हो सकता है। इसकी बजाय आप रनिंग के बाद फिर पूरे दिन भर थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहें जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। बिल्कुल भी पानी ना पीने से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और बॉडी में सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने से सिरदर्द, चक्कर और उल्टी की समस्या भी हो सकती है। तो रनिंग करने से पहले पानी ना पिएं और रनिंग करने के बाद पानी ज़रूर पिएं। नंबर दो, हैवी डाइट ना लें। रनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप रनिंग करने से पहले खूब सारा खाना खा लें। रनिंग या एक्सरसाइज के तुरंत पहले हैवी ईटिंग से डाइजेस्टिव मसल्स पर बुरा असर पड़ता है। इससे पेट दर्द हो सकता है, उल्टी और डायरिया भी हो सकता है। अगर आपने कुछ हैवी खा लिया है तो कम से कम उसके एक घंटे बाद ही रनिंग करें। अगर आपको थोड़ी सी ही रनिंग करनी है तो इसके लिए कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर थ्री, स्ट्रेचिंग ना करना। रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप ना करने से नसों में खिंचाव और मांसपेशियों में भी खिंचाव आ जाता है। मोच, अकड़न, दर्द की समस्या हो सकती है। रनिंग करने वालों के लिए एक ही जगह पर खड़े होकर स्ट्रेचिंग करना उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। इसकी बजाय आप डायनेमिक वार्म अप कर सकते हैं जिससे आपकी मांसपेशियों की सारी जकड़न दूर हो जाए और इससे आपको रनिंग करने में आसानी रहती है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी रनिंग करें उससे पहले आप थोड़ा वॉकिंग कर लें और स्ट्रेचिंग करें। वॉकिंग करते करते आप स्ट्रेचिंग करें हाथों की और अपने बैक की। नंबर फोर, ज़बरदस्ती रनिंग ना करें। अगर आपका शरीर थका हुआ है तो ऐसे में खुद के साथ ज़बरदस्ती ना करें क्योंकि इसका उल्टा असर पड़ता है। कई बार थके होने के बावजूद रनिंग करने से चोट लगने की समस्या हो सकती है और आपके शरीर में अकड़न आ सकती है, तो ऐसे में बिल्कुल भी रनिंग ना करें। रनिंग करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप स्वस्थ हैं, तभी रनिंग करें। तो दोस्तों, ये थी चार ऐसी सबसे बड़ी गलतियाँ जो लोग रनिंग करने से पहले कर बैठते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ हेल्थ जागरण की तरफ से दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।